और राहुल गांधी की चीन से कशीदगी के मामले पर हुकूमत पर तनकीद। अपोजिशन लीडर ने इस्तफसार किया कि मोदी जी, आप चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं? लोकसभा के इजलास में चीन से कशीदगी के मामले पर भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पॉलिसी बयान पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को खूब आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि वजीर दिफा के बयान से वाजे हो गया कि चीन की जानिब से इंडियन सरजमीन पर कब्जे से मुतालिक मोदी कौम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम से पूछा, मोदी जी आप चीन के खिलाफ कब खड़े होंगे? आप चीन का नाम लेने से खौफजदा क्यों हैं? आप चीन से अपनी कब्जा की गई जमीन कब छुड़वाएंगे? भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा था कि भारत चीन के साथ सरहदी तनाजा पुरअमन तौर पर हल करना चाहता है और इस सिलसिले में बातचीत जारी है, लेकिन चीन किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं और अब तक अपने मौकिफ पर कायम है।